सो G2 और G3 और I एंड J में क्या डिफरेंस है? अगर हम G2 या G3 अप्लाई कर रहे हैं तो हम टू स्टेप्स में एक फुल राउंड पॉकेट कटिंग करते हैं, ठीक है। बट I के केस में क्या है, I में हम सिर्फ सेंटर टू डिस्टेंस की वैल्यू देते हैं और वो एक ही बार में फुल पॉकेट कट कर देता है। सो ये मेजर डिफरेंस है I एंड J और G2 और G3 के बीच में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे I के बारे में क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल स्टार्ट पॉइंट टू सर्कल एंड पॉइंट इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये सेम केस उसके साथ भी होगा, वाई के साथ भी, सॉरी जे के साथ भी। जे के केस में क्या होगा, वो एक्सिस चेंज कर लेगा, यहां पे वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। आई के केस में क्या कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू सर्कल एंड पॉइंट, ऑटोकैड में चेक करते हैं, कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल स्टार्ट पॉइंट टू सर्कल, सॉरी सर्कल स्टार्ट पॉइंट टू सर्कल सेंटर पॉइंट, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो उसकी बात कर रहा है। तो अगर हम आई की वैल्यू यहां से यहां तक देंगे तो ये एक ही बार में राउंड कटिंग कर देगा, ठीक है, सर्कुलर कटिंग कर देगा, और वो भी एक्स एक्सिस में। आई जो है हमारा एक्स एक्सिस में डिस्टेंस पिक करेगा और जे जो है हमारा वाई एक्सिस में पिक करेगा। मीन्स लाइक अगर मैं यहां पे एक सर्कल बनाता हूं और अगर स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक का इन वाई डायरेक्शन में एंगल डिस्टेंस देते हैं तो हम जे अप्लाई करेंगे, जे की वैल्यू देंगे। तो लाइक मेरे पास स्टार्ट से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रेडियस भी दे रखा है इस सर्कल का, तो इसी सर्कल का डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो 30 अगर देंगे तो वो एक ही बार में राउंड कटिंग कर देगा, सर्कुलर कटिंग कर देगा। तो आइए इसे बना के देखते हैं प्रोग्राम को, किस तरह से ये प्रोग्राम बनेगा। सो ओ 008 एक प्रोग्राम बनाते हैं, G17, G21, G90, G21, G90, G55, G94 और G55, ठीक है। T01 वही हम सिंगल टूल लेके चल रहे हैं अभी, तो मल्टी टूल्स के प्रोग्राम्स आगे आगे आएंगे धीरे धीरे, तो आप कीप ऑन टच और प्रैक्टिस करते रहिए। सिंगल स्लॉट सिंगल टूल से जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो T01M06 स्पिंडल की स्पीड दे देंगे इसके बाद M03, और जिनको प्रोग्राम नहीं है बनाना आता, सो मेरी स्टार्टिंग से वीडियोस देख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से बता रखा है कि हर एक कोड का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिंडल की स्पीड आ जाएगी। अब मुझे क्या देना है, यहाँ पे G0 पोजीशन देनी है एक्स और वाई में। एक्स और वाई में क्या पोजीशन आएगी अब मेरी, देखिए जब भी मैं इस पॉकेट की कटिंग करूंगा तो मुझे सेंटर जो है, ओरिजिन जो है, वो सेंटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मेरा ये वाला सेंटर होगा तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एक्स में -30, वाई में 0 रहेगा, ठीक है। जीरो यहाँ पे 0 0 है ना, तो एक्स की तरफ मूव कर रहा है और लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे x -30 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आपको मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मेरे समझ नहीं आ रहे, जो मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं आते हैं तो एक और वीडियो मेरी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर मैंने बहुत डीपली बना रखी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्टार्टिंग में जब अगर आप प्रोग्राम सीख रहे हैं तो आपके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं आते हैं तो मीन्स आप प्रोग्राम गलत बनाओगे, प्रोग्राम कभी भी सही नहीं बना पाओगे, ठीक। कोड सीखना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोड्स आराम से आ जाएंगे। मेन जो आपके लिए रहेगा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो G0 एक्स -30 Y0 यहाँ पे पोजीशन दे दी है, Z2 आपको पता है मैंने क्यों रखा है। सो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, G1 Z0 टचिंग ले रहा हूं अभी मैं, और यहाँ पे मैंने फीड के साथ कूलेंट ऑन कर दिया। जो हम फीड और यहाँ पे स्पीड दे रहे हैं, इनके फॉर्मूलाज हम एंड में करेंगे कि किस तरह से हम फीड लेते हैं और किस तरह से हम स्पीड लेते हैं, और एक प्रोफेशनल वे में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। अभी भी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं सही है, बट मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल रहा हूँ स्पिंडल की स्पीड की और एक फीड की, ठीक है। टर्निंग में हम फीड अलग लेते हैं और मिलिंग में हम फीड अलग लेते हैं। सो टचिंग हो गई, Z-2 आ जाएगा। G3 में हम कटिंग करेंगे, तो अब G3 के कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम आएगी जो हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं।
तो x की क्या आएगी, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वही पोजीशन आएगी x माइनस 30। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। i की वैल्यू क्या आएगी, 30, जो हमने अभी कैलकुलेट की थी यहाँ पे कि मेरे पास स्टार्ट से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। सो यहाँ पे हम 30 लेके चलेंगे। सो जी थ्री एक्स माइनस 30 वाई जीरो आई 30। इसके बाद जे चाहे तो आप जीरो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम एक स्लॉट कट जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जी वन में अंदर जाएंगे, ठीक है। और जिनको अगर ये फुल पॉकेट का प्रोग्राम अच्छे से समझना है, जी टू जी थ्री में किस तरह से किया, मैंने बहुत डीप में करवा रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, आपको ये प्रोग्राम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आई और जे से कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जी वन में क्या हो जाएगा, अब हम अंदर चले जाएंगे तो एक्स में क्या हो जाएगा, माइनस 20 10 mm और रिड्यूस कर देंगे, वाई जीरो हो जाएगा। इसके बाद अगेन जी थ्री, एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 20, वाई हो जाएगा जीरो, और आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब 20 सेम डिस्टेंस आ जाएगा। जे जीरो करना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन जीवन में अंदर चले जाएंगे, एक्स माइनस 10 हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा जीरो, और ठीक है जी थ्री में एक्स क्या हो जाएगा, अभी हम 2 mm की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि डीप कटिंग किस तरह से करेंगे, अगर मान लो 20 30 50 60 mm की हमें डीप कटिंग करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे यूजिंग सब प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट वीडियो वही रहेगी मेरी, और कीप ऑन टच ताकि आपको जो भी आने वाली वीडियोस हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। सो जी वन एक्स माइनस 10 वाई जीरो, जी थ्री एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 10, वाई हो जाएगा जीरो, आई हो जाएगा 10, जे हो जाएगा जीरो। सो इसके बाद अब ये पूरा जो पॉकेट है वो कट हो चुका है, अब जी जीरो जेड 100 ऊपर उठा लेंगे टूल को, एम 05, एम 09, एम 30, ये मेरा प्रोग्राम जो है वो एंड हो चुका है, ठीक है। सो इसको हम प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम ले रहा हूँ, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं डायरेक्टरी के साथ, ओ 0030 प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम बना लेते हैं, G17, G21, G90, G94, G55, T01, M06, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने ब्लॉक ले रखे हैं, और जिनको ये ब्लॉक नहीं लेना आता है वो वीडियो मेरी पुरानी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रखा है कि किस तरह से आप ब्लॉक ले सकते हैं और किस तरह से अपने ब्लॉक को कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये क्लैंपिंग भी आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से टूल हम किस तरह से ले सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक टूल ले रखा है और ऑफसेट भी ले रखी है, ऑफसेट अगर चाहे तो आप दोबारा देख सकते हैं। सो मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है ऑफसेट किस तरह से लेनी है, तो वहां से आप ऑफसेट सीख सकते हैं किस तरह से आप ऑफसेट ले सकते हैं, ओके। तो T01 M06 स्पिंडल की स्पीड आ जाएगी S2000, M03 काउंटर क्लॉकवाइज हम इसे मूव करेंगे, G0 एक्स की पोजीशन क्या हो जाएगी, माइनस 30, वाई क्या हो जाएगा जीरो। इसके बाद Z2 हो जाएगा, G1 Z0, फिर 200 हो जाएगा, M08 कूलेंट ऑन कर देंगे, Z-2, ठीक है। G3 एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 30, वाई जीरो, आई 30 अगेन, J0 अगेन। तो G1 में हम अंदर लेके चलेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 20, वाई जीरो, G3 अगेन, एक्स माइनस 20, वाई जीरो, आई 20, J0 अगेन, G1 एक्स माइनस 10, वाई जीरो, अगेन G3 एक्स माइनस 10, वाई जीरो, और उसके बाद टेन हो जाएगा एंड J0, ठीक है। G0 Z100 टूल ऊपर उठा लेंगे और M05, M09, M30 प्रोग्राम एंड एंड रीसेट। सो यहाँ से हम जो हमारा स्टॉक है उसको रिप्लेस कर लेते हैं ताकि फ्रेश स्टॉक के साथ उसे प्रोग्राम को बना सके। तो यहाँ पे एक एरर दे रहा था, G1Z0 फी 200, ओके, G0X माइनस 30, प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। G1 माइनस 20 लिख रखा है मैंने यहाँ पे, सो एडिट कर लेते हैं, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, G1 माइनस 20 लिख रखा है मैंने, तो यहाँ पे G1 X माइनस 20 होगा,
और उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। अब इसे रन करके देखते हैं। देखिए पाथ आ रहे हैं यहाँ पे, और टूल को हम क्या करेंगे, होम रन पे ले जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे और सिंगल सिंगल ब्लॉक को रन करके देखेंगे। देखिए ठीक है, इस तरह से ये जो है पॉकेट कटिंग कर देगा, और इस तरह से हम स्लॉट को कट कर सकते हैं यूजिंग आई एंड जे कोड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सिंगल स्लॉट को भी इस तरह से कट कर सकते हैं और फुल पॉकेट को भी इस तरह से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इसकी डीप कटिंग इस तरह से करेंगे यूजिंग सब प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी मैंने 2 एम की कटिंग लगाई है, इसके बाद आप देखेंगे 20, 30, 40, 50, 60 mm जितनी भी हमने डीप करनी है, उस डीप कटिंग का प्रोग्राम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो कीप ऑन टच, प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।